हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिप्रास वर्ल्ड। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए, हमारे पुणे सिटी अभी मेट्रो सिटी बन गए, तो ये आपके साथ शेयर नहीं करूँ तो कैसे चलेगा। तो जल्दी मैं पुणे मेट्रो का वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, फिलहाल इसी में खुश हो जाइए। तो देखिए, आज हम आए हैं पुणे गरवाड़े कॉलेज में और ये कॉलेज के सामने ये मेट्रो स्टेशन बना है, तो मैंने इसलिए आपके साथ ये वीडियो शेयर कर लिया। तो ये है, तो दोस्तों ये है पुणे गरवाड़े कॉलेज। ये कोथरूड में आता है, पुणे कोथरूड में। ये बहुत बड़ा कॉलेज है और इसका ग्राउंड बहुत ही बड़ा है। तो इसके अंदर हो रहा है आज आनंद मेला। आनंद मेला का उद्देश्य क्या है, तो चलिए जानते हैं। इसके बारे में मालूम दे सकता हूँ पूरा? बताइए। भारत भारती यह संस्था पिछले 15 सालों से पुण्य नगरी में कार्यरत है। कोविड के 2 साल छोड़ दिए तो हर साल गणतंत्र दिवस के शुभ मौके पर हम लोग पुणे निवासी भारतवासी ऐसा आनंद मेला लेते हैं। उसका उद्देश्य क्या है? अपने पुण्य नगरी में अलग अलग भाषा बोलने वाले, भारत के अलग अलग प्रांतों से यहाँ पर आकर बसे हुए, कुछ लोग का तो जन्म ही यहाँ हुआ है, उन सभी का गेट टुगेदर गणतंत्र दिवस के मौके पर करते हैं और सभी मिलकर भारत माता पूजन करते हैं। अलग अलग राज्यों का सांस्कृतिक नृत्य दिखाया जाता है और अलग अलग राज्यों के खाद्य पदार्थ केवल अल्प दर के कूपन पर सब्सिडाइज रेट पर दिया जाता है। तो इस साल 6 राज्यों का वहाँ पर डांस हो गया और 10 राज्यों का यहाँ पर अलग अलग व्यंजन, वो राज्य के लोग वेशभूषा पहनकर यहाँ पर खड़े होकर एग्जिबिट करते हैं। जैसे पंजाब का परोठा है, गुजरात का ढोकला है, सिंध का दाल पकवान है, यहाँ पर महाराष्ट्र का थालीपीठ है, ऐसे अलग अलग व्यंजन, केरल का डोसा है, कश्मीर का दम आलू है, केवल 50 रुपए के कूपन पर यह खाद्य पदार्थ मिलते हैं। इसका उद्देश्य है एकता में अनेकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो सब मिलकर अभी भारत माता की आरती करेंगे और इस आनंद मेले का आनंद लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच इतने अच्छे तरह से बताने के लिए। धन्यवाद। ये हर साल होता है ना? हर साल होता है, 26 जनवरी या उसके आसपास। आज संडे का औचित्य साधकर आज हुआ है। आप आइए, हर साल आइए, हर साल आएंगे। और थोड़ा आप पहले ही से इसको कवरेज देंगे तो ये ग्राउंड पूरा ही फुल हो जाएगा आगे। बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, आपने सुना यहाँ का आनंद मेला का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, यहाँ पे अलग अलग राज्य से सब लोग आए हैं अपना नृत्य प्रदर्शन करने के लिए। अपना फूड स्टॉल लगा है, तो सब अलग अलग तरह की खाना है और अलग अलग नृत्य प्रदर्शन होगा। तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मेरी बेटी भी इस डांस परफॉर्मेंस में हिस्सा लिया है। मेरी बेटी ने भी हिस्सा लिया और उसके साथ और भी बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, सब प्योर बंगाली लुक में रेडी हुए हैं, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं ना। जितना हम बड़े एक्साइटेड है, उतना बच्चे भी बहुत एक्साइटेड है। हमने पहले साल यहाँ हिस्सा लिया है तो बहुत ही एक्साइटेड है कि क्या होगा, कैसा होगा ये देखने के लिए। तो मैंने सोचा ये वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाए। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर क्या क्या हो रहा है वो भी देख लेंगे। मंच का ध्येय एवं उद्देश्य सदैव से ही राष्ट्रीय एकात्मता रहा है। अनेकता में एकता हो या विविधता में, भारत भारती के मंच ने हमेशा से ही अपना कदम आगे बढ़ाया है। आज ऐसे ही एक प्रयास को अच्छा मिस्टर गए हैं, मिस्टर का चौक है गणतंत्र दिवस संबंधित भारत माता पूजन एवं राष्ट्रीय एकात्मता दर्शाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम। इस उपलक्ष्य में हमने एकत्रित किए हैं भारत के विविध प्रांतों के रंगीन पुष्प और प्रस्तुत कर रहे हैं बहुरंगी गुलदस्ता जो हमारे राष्ट्रीय एकात्मता को दर्शाएगा। Sagama pani 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 pani
के बोल पर नृत्यांगनाएं प्रस्तुत करने वाली है। आजादी की लड़ाई के किस्से कहानियां तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन उस समय ही कई गीतकारों ने, लेखकों ने, कवियों ने भी उनकी भाषा में बहुत ही सुंदर तरह से भारत माता का वर्णन किया है। तो हम चलते हैं पश्चिम बंगाल की प्रस्तुति की तरफ। गीत के बोल रचे हैं दिजेंद्र लाल राय जी की रचित कविता के आधार पर ये बालिकाएं नृत्य प्रस्तुत करने वाली हैं। तो चलते हैं, आनंद लेते हैं पश्चिम बंगाल की प्रस्तुति धन धान्य भारत देश। Thank you.
সাথেই পেপার মোর মনের প্রজাপতি নাচি নাচি ঘুরি 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 উড়ি উড়ে যায় মন হারানোর ঠিকানায় ভাগুনের মোহনায় মন মাথা होगा कि शास्त्रीय नृत्य शैली केरल की जो है मोहिनी आट्टम, तो मोहिनी आट्टम प्रस्तुत करेंगे लक्षणा डांस एकेडमी के छात्राएं। ചന്ദന മലരിലെ മധുവായി അരമിളരും മൃഗമദലയമായി മാറിലിടയും മാരകേളി ലാലസാവേഗം നീലനിലാക്കുളിരിലുലാവും നെയ്യാമ്പൽ പൂങ്കനവായി നീ നിന്ദനങ്ങൾ കൺതുറക്കെ കാമനുണർന്നല്ലോ असिस्टेंट कमिश्नर एट डिब्रूगढ़ आसाम जुलाई
2006 to August 2007. इसके अलावा आपको कई विशेष पुरस्कारों से भी किया गया है. एलवी मेमोरियल अवार्ड बेस्ट परफॉर्मिंग ऑफिसर ट्रेनिंग इन नॉर्थ ईस्ट बाय कैबिनेट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ऐसे गणमान्य सर्वगुण संपन्न अतिथि का स्वागत क्या है लिट्टी चोखा बिहार का अध्यक्ष और ये क्या है लिट्टी चोखा. अच्छा 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 हाँ वो जो बैंगन का और इसका रहता ना भट्टा उसके साथ लिट्टी चोखा सम्मानित करेंगे. आज के प्रमुख अतिथि श्री विशाल सोलंकी जी को तालियां बजनी चाहिए. समोसा छोले भटूरे समोसा चाट है और सिर्फ छोले भटूरे. आगे मैं परिचय देना चाहूंगी भारत भारती के प्रेसिडेंट कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अचल जी जैन सर का. श्री अचल जी जैन प्रख्यात बिजनेसमैन है. बाटली चूरमा ये दाल राजस्थानी फूड 2012 में आयोजित घी गर्म हो रहा है. घी गर्म राजस्थानी भैया कोणाकडून कॅश घ्यायची नाहीये. कूपन घ्यायचं रात्री तुम्हाला कॅश. काय बन रहा है यहाँ पे क्या इंस्टॉलमेंट. हे थालीपीठ आहे महाराष्ट्र का. थालीपीठ आहे. थालीपीठ और कोथिंबीर वडी. सबसे पहले आपको वहाँ से कूपन लेने हैं. हाँ, हाँ, कूपन लेके फिर आप हम वीडियो बना रहे हैं. हाँ, बनाइए बनाइए. आप किसी संस्था से आए हैं क्या. नहीं नहीं हमारा यूट्यूब चैनल है. यूट्यूब चैनल है. यूट्यूब चैनल. अच्छा तो फिर हमारा भी इंटरव्यू लीजिए. केरल स्टॉल में आपका. यहाँ पे क्या है फूड स्टॉल में. डोसा केरल का डोसा है बताया ना अभी. चलो डोसा अभी गर्मा गर्म बनेगा इसलिए अभी बना रेडी है. अभी तुमको लेना पड़ेगा. और यहाँ पे है गुजरात का. ये क्या है गुजराती ढोकला. ढोकला है गुजराती. अच्छा ढोकला है. क्या है भाई मसाला ढोकला क्या. मसाला ढोकला. ढोकला के साथ ये ग्रीन चटनी. ग्रीन चटनी दम आलू और दही. राइस येलो राइस. अच्छा येलो राइस और दम आलू. दम आलू. येलो राइस बनने से लेमन राइस है क्या. नहीं लेमन राइस सादा होता है. कश्मीर में तहर बोलते हैं. ओके ओके. क्या बोलते हैं कश्मीर में. तहर. गुड फेस्टिवल पे उनका बनाया जाता है बर्थडे बीटे में. अच्छा दम आलू और क्या. दम आलू और येलो राइस तहर बोलते हैं. ओके कश्मीर में इसको तेवर बोलते हैं. दाल पकौन. अच्छा ये कैसे खाए जाते हैं. सुबह दाल के साथ दो चटनी है. दाल खोल के दिखाएंगे वीडियो बना रहे हैं. 500 रुपए चेंज रहेगा क्या. ये दाल है. ये दाल है दो चटनी है. चेंज देना है क्या. इमली का चटनी. इमली का चटनी. ग्रीन चटनी. ग्रीन चटनी. और ये दाल है. दाल है. और इसके साथ ये पकौन है. पकौन ये खाया जाता है. तो हमारे बंगाल का स्वीट सबसे फेमस है ये है रसगुल्ले बंगाली. जो भी लेंगे तीन. हाँ नहीं चार है. जो भी पसंद आएगा तीन मिलेगा. और ये संदेश तीन मिल जाएगा. ये है पश्चिम बंगाल का फूड स्टॉल. इन्होंने लगाया है लेकिन यहाँ पे मिल रहा है हमारा फेमस रसगुल्ले. तो यहाँ पे अलग अलग प्रांतों के अलग अलग सब खाना मिल रहा है. तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. जब ये भारत माता की आरती हो जाएगी उसके बाद कूपन मिल जाएगा. मैं तो बहुत मतलब जोरों शोरों से खाने वाली हूँ. मुझे इतना अच्छा अच्छा खाना देख के मुझे बहुत भूख लगी है और पेट में चूहा दौड़ रहा है. और मेरी छोटी को भी लगी है भूख. छोटी क्या खाओगे आप इतने खाना देखा ना. क्या खाओगे. लिट्टी चोखा.
चलो अभी कूपन के लिए बुला रहे हैं हम, कूपन के लिए जाते क्योंकि इतना टेस्टी टेस्टी खाना देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बहुत बहुत पानी आ रहा है मुंह में। श्री कंदोल जी सम्मानित करेंगे साइली कुलकर्णी मैम और सौ पल्लवी सहस्त्रबुद्धे मैम को, जिनकी प्रस्तुति थी गणेश वंदना। पश्चिम बंगाल की टीम तैयार है, मैं उनके प्रतिनिधि को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। हमारा खाना पीना सब खत्म हो गया, हमने बहुत सारे खाना खा लिए, पेट पूरा भर गया। सारा खाना बहुत टेस्टी टेस्टी, अलग अलग राज्य से जो भी अलग अलग फेमस खाना होता है उन्होंने सब बनाया था, तो बहुत ही टेस्टी लगा। और लास्ट में हमने खाया है स्वीट्स, हमारा बंगाल का रसगुल्ले जो कि बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा शेयर कर देना, मेरा चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरा नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो पे, टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर।